press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Thank you friends, आपने मुझे सब्सक्राइब किया इसलिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डार्क iOS की थीम Redmi Note 4 और बाकी के डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसी ये थीम लगती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर MIUI थीम क्रिएटर को डाउनलोड कर लीजिए, कुछ इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको ओपन कर दिए और यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है थीम की, उसको आप डाउनलोड कर लें और फिर यहाँ से आपको एक्सेस करना है, तो वो जाकर आप ब्राउज कर लिए। फिर स्टार्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा, तो फिर से आप फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दो वेरीफाई मांगे के, वहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप थीम में जाइए, आप देख सकते हैं iOS डार्क मोड यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं ये थीम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो हम इस थीम को अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये थीम कैसे दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क iOS की थीम अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आइकॉन iOS की तरह आपको मिलते हैं। यहाँ पर मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको ब्लैक थीम मिलेगी। मैंने अगली एक वीडियो बनाई थी जिसमें iOS 11 की बेस्ट थीम कौन सी है उसके बारे में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग में भी आपको डार्क मोड मिलता है। यहाँ पर आप सेम iOS की तरह आपको फंक्शन मिलते हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से नए फीचर आए हैं इसमें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन बार कुछ इस तरह से दिखता है, जो iOS में भी सेम इसी तरह को आपको मिलता है। यहाँ पर मैं आपको फ़ोन डायल में भी दिखाता हूँ कि यह आप इस तरह से दिखते हैं, और यहाँ पर मैं मैसेज में जा के भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ब्लैक मोड मिलता है, तो काफ़ी अच्छी लुक है। अगर इसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कॉमेंट करना, क्योंकि मैं इसका हल दे सकूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप भी आपको डार्क मोड में मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है और ये नया दिखता है। मैंने MIUI क्रिएटर और इस थीम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम प्रेस करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर iOS की तरह टॉगल बटन मिल जाएगा। अब हम स्टोरेज देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर भी आपको ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब हम लॉक स्क्रीन में जाके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल iOS की तरह नोटिफिकेशन पैनल आपको दिखाई देती है। यहाँ पर आपको पैनल में इस तरह से कुछ दिखता है, और नीचे से स्वाइप करने पर आपको कुछ इस तरह iOS 11 की तरह आपको लुक मिलता है। यहाँ से आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा इसलिए, और यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।